यूक्रेन पर हमले का 17वां दिन, फाइनल लड़ाई की तैयारी कर रहा है रूस। कीव के बेहद करीब पहुंची पुतिन की सेना। कीव में बम बरसा रही है रूस की सेना। रिहायशी इलाके के एक इमारत पर हमले से लोगों में जबरदस्त दहशत। रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है रूस की सेना। कीव के पास कई घर खाक, इलाके में विस्फोटों से बने गड्ढे। यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम इलाके में रूस का बड़ा हमला। सैटेलाइट में कैद हुई तबाही की तस्वीर। कीव के बेहद करीब ब्रावरी में लगातार बमबारी जारी। रूस मिसाइल हमले में जलकर खाक हुआ फूड स्टोरेज। यूक्रेन ने किया ब्रावरी में रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा। एंटी टैंक मिसाइल से पलटवार, ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ब्रावरी में रूस की बमबारी से जबरदस्त दहशत। सुरक्षित जगह की तलाश में कीव की ओर पलायन कर रहे हजारों लोग। कीव के करीब वाल्समिक में रूस की जोरदार बमबारी। जलकर खाक हुआ तेल डिपो। आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। कीव के करीब इरपिन में भी रूस ने जमकर की गोलाबारी। तस्वीरों में कैद हुए तबाही के निशान। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खारकीव में जारी है रूस की बमबारी। पुतिन की सेना ने न्यूक्लियर लैब को बनाया निशाना। रूस के ताबड़तोड़ हमले से दहला यूक्रेन का निकोलेव। तस्वीरों में कैद हुई जबरदस्त बमबारी। रूस के खिलाफ यूक्रेन के आम लोगों ने उठा ली है हथियार। ओडेसा से सामने आई ट्रेनिंग की तस्वीरें। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से बौखलाया रूस। आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह करने की धमकी। इटली ने यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के तहत रूसी अरबपति पर चलाया चाबुक। जब्त की 450 करोड़ रुपए की कीमत वाली यॉट। यूरोप पर दिखने लगा यूक्रेन रूस की जंग का असर। ज्यादातर देशों में बढ़ रही है रोजमर्रा की चीजों की कीमतें। रूस के हमले के बीच यूक्रेन से जारी है बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन। रोमानिया बॉर्डर पर दिखी भारी भीड़। पोलैंड बॉर्डर के रास्ते भी पलायन कर रहे हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 25 लाख लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। कहा नेटो रूस में सीधी जंग का मतलब वर्ल्ड वॉर। अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। कहा अगर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए तो बहुत गंभीर होंगे नतीजे। रूस ने आरोपों को किया खारिज। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पुतिन पर किया वार। कहा जंग में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेल रहा रूस। बुखारेस्ट के स्टेशन पर नजर आए रोमानिया के मशहूर संगीतकार टॉम ओडेल। रूस का हमला झेल रहे यूक्रेन के लोगों के लिए गाया गाना। रूस ने कीव के करीब मस्जिद को बनाया निशाना। टर्की ने किया 36 बच्चों समेत 80 लोगों के फंसे होने का दावा। यूक्रेन ने नेपाल के 4 छात्रों को भारत ऑपरेशन गंगा के तहत किया रेस्क्यू। शेर बहादुर देवबा ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। यूक्रेन के मेलिटोपोल में मेयर को रूसी फौज ने बनाया बंधक। हजारों लोगों ने प्रशासन भवन पर बोला धावा। एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। कहा जंग में अब तक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के 1300 जवान। कीव पर कब्जे के लिए रूस को यूक्रेन की राजधानी को तबाह करना होगा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन गांधीनगर और अहमदाबाद में किए रोड शो। लोगों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। सरदार पटेल स्टेडियम में शुभारंभ। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का किया उद्घाटन। बोले आजादी के बाद सुरक्षा के क्षेत्र में बदलाव की थी जरूरत। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। 37 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 14 को दी गई डॉक्टरेट की डिग्री। कल दिल्ली पहुंच रहे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ होगी मुलाकात। दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा कर सकते हैं योगी। संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ भी हो सकती है मुलाकात। अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं करहल की सीट, बने रहेंगे सांसद। आजम खान के भी रामपुर सीट छोड़ने की चर्चा। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के नए विधायकों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। अखिलेश के सहयोगी ओपी राजभर का माहौल बनाकर भी किया जा सकता है। बोले ओवैसी और बीएसपी की वजह से बीजेपी को मिली जीत। भूमिका अदा किया है तो खुलेआम एक सीट। चुनावी नतीजों से गदगद दिखे निषाद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बताया लंकेश। निषाद राज के वंशज को हक मांगने जाओ गोली चलाओ तो जो गोली चलाए वो रावण, जो गोली खाए वो राम भक्त हो गया। आम आदमी पार्टी ने पेश किया पंजाब में सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिले भगवंत मान। 16 मार्च को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ।
भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, जोरों पर है तैयारियां। कल अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो, हरमिंदर साहब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि धाम जाएंगे दोनों नेता। कल होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, चुनावों में शर्मनाक प्रदर्शन मंथन करेगी देश की सबसे पुरानी पार्टी। वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस में खींचतान, G23 के नेताओं ने की जल्द नए अध्यक्ष के चुने जाने की मांग। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी को खुश करने में लगी है बंगाल की सीएम। गोवा में जाके तुम कांग्रेस पार्टी की अंदर सेध लगा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और इसके बदौलत बीजेपी पार्टी को मुनाफा मिली, कौन नहीं जानते। कांग्रेस पर दिए बयान को लेकर ममता पर आग बबूला हुए अधीर रंजन चौधरी, कहा पूरे देश में हमारी पार्टी के 700 विधायक। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार बनने तक होंगे केयर टेकर सीएम। दिल्ली से सटे नोएडा में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा, पंजाब में बंपर जीत का मना जश्न। 12 अप्रैल को 4 राज्यों में होंगे उपचुनाव, आसनसोल की लोकसभा सीट पर मतदान, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एक एक विधानसभा सीट के लिए वोटिंग। एक बार फिर सामने आया ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज, ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ने सफाई कर्मी महिला के छुए पैर। अपने संसदीय क्षेत्र जमुई पहुंचे चिराग पासवान, पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ खेली होली, नीतीश कुमार पर साधा निशाना। झालावाड़ में मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। शायर मुनव्वर राणा को बीजेपी ने बताया सम्मानित बुजुर्ग, कहा किसी को नहीं है यूपी छोड़ने की जरूरत, सबकी होगी सुरक्षा। हमारे बुजुर्ग है और अब हम तो कहेंगे सारे बुजुर्ग नौजवान महिलाओं सबको सुरक्षा, ये सरकार का दायित्व भी हो, सरकार इस दायित्व का निर्वहन भी करती है। औरैया में बीजेपी विधायक की जीत पर मना जश्न, बुलडोजर के साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खेली होली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार के बजट को लेकर नाराजगी। कानपुर में दो गुटों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पिंपरी चिंचवड़ में भोंदू बाबा गिरफ्तार, जादू टोना करके महिला से लाखों रुपए वसूलने और यौन शोषण का आरोप। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक शख्स ने बढ़ाई नगर निगम की मुश्किल, प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए 54,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हाईवे पर पलटा तरबूज से भरा ट्रक, लूटने के लिए स्थानीय लोगों की उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, 3 जगहों पर मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, 1 जिंदा पकड़ा गया। पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को किया ढेर, जैश ए मोहम्मद का था 1 दहशतगर्द, 1 पाकिस्तानी भी शामिल। गांधरबल में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 1 दहशतगर्द को किया ढेर, हंदवाड़ा में भी मारा गया लश्कर का 1 आतंकवादी। पुलवामा, गांधरबल और हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, मुठभेड़ प्रभावित इलाकों की घेराबंदी। दिल्ली में गोकुलपुरी की झुग्गी में आग का तांडव, 7 लोगों की मौत, आग की वजहों का खुलासा नहीं। गोकुलपुरी में हादसे वाली जगह पर पहुंची दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का काफिला, मृतकों के घर वालों से की मुलाकात, मुआवजे का किया ऐलान। पटना सिटी में झाड़ियों में मिली युवक की लाश, ईंट पत्थरों से कूच कर की गई हत्या। बाराबंकी में ऑनर किलिंग, युवक पर लगा लाठी डंडों से बहन की हत्या का आरोप। बिहार के गया में दिल दहलाने वाली वारदात, छेड़खानी करने पर दबंगों ने 2 महिलाओं की चाकुओं से गोद कर की हत्या। बिहार के दरभंगा में 10 रुपए की मैगी को लेकर जोरदार हंगामा, मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर भीषण आगजनी का आरोप। बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच डे नाइट टेस्ट का पहला दिन, पहली पारी में भारत ने बनाए 252 रन। टॉस जीतकर भारत का पहले बल्लेबाजी का फैसला, श्रेयस अय्यर ने खेली सबसे ज्यादा 92 रन की पारी। श्रेयस ने महज 98 गेंदों में बनाए 92 रन, पारी में 4 छक्के और 10 चौके शामिल। ऋषभ पंत के बल्ले से भी निकले ताबड़तोड़ 39 रन, 26 गेंद की पारी में 7 चौकों की बरसात। नहीं चला कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला, सिर्फ 15 रन पर लौटे पवेलियन, कोहली ने खेली 23 रन की पारी। श्रीलंका को पहली पारी में शुरुआती झटका, 50 रन पर ही 5 बल्लेबाज आउट, बुमराह और शमी के खाते में 2-2 विकेट। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रन से रौंदा, टीम इंडिया के 317 के जवाब में वेस्टइंडीज टीम 162 रन पर ही ढेर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना ने बनाए सबसे ज्यादा 123 रन, हरमनप्रीत कौर ने भी खेली 109 रन की तेज पारी।
कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर बनाए 251 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। उस्मान फाजा ने फिर खेली शतकीय पारी, 127 रन पर नाबाद। स्विफ्ट स्मिथ के बल्ले से निकले 72 रन।